आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना है तो अभी के भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्ट लाइक अप्रोच चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन मींस घंटी भी अभी के भी दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहे नए नए अपडेट्स, वो भी ऑन टाइम। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। काफी सारे टेक ट्यूबर्स प्रोडक्ट लेके पेड प्रमोशन कर रहे हैं और आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेल आउट किए जा रहे हैं जिनकी एक्चुअल वर्दी बहुत कम है, या फिर मैं कहूँ तो जो मार्केटिंग है वो काफ़ी हाई कर रखी है, क्वालिटी बहुत कम दी जा रही है। इसी उम्मीद से कि आप क्वालिटी को चूज़ करेंगे ना कि मार्केटिंग को। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने स्मार्ट लाइफ अप्रोच चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी के बजाय सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं साउंड लॉजिक ब्लूटूथ हेडसेट की। जी हाँ, मार्केट में प्राइस है 999 रुपीज़ का ये साउंड लॉजिक ब्लूटूथ हेडसेट आ जाता है, और मुझे इसको यूज़ करते हुए 10 से 12 डेज हो चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी पहले इस प्रोडक्ट में यूज़ कर रहा हूँ, और एक बार अच्छे से इसको यूज़ करने के बाद मुझे आइडिया लग गया एक्चुअल में क्या आपके लिए वर्दी होने वाला है कि नहीं होने वाला है। डिटेल रिव्यू से पहले इसके आप अनबॉक्सिंग देख लीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगा मेरे ओपिनियन कि एक्चुअली मुझे ये साउंड लॉजिक ब्लूटूथ कैसा लगा है। यहाँ पे 8 hours का बैटरी बैकअप मिलने वाला है, साथ ही आपको यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट सीरी और गूगल असिस्टेंट दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइस की बात करता हूँ, मुझे यहाँ पे 999 मीन्स आप 1000 रुपीज मान लीजिए, बट यहाँ पे प्राइस 2500 रुपीज समथिंग मेंशन कर रखी है। फिर हम इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं, तो जल्दी से अनबॉक्स को ओपन करके एंड देन आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में आपको कैसा कुछ मिलने वाला है। आपको यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी की कुछ फोटोज वगैरह दिखाई दी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं प्रमोट यहाँ पे इनके थ्रू किया जा रहा है। इसके अलावा देख सकते हैं फंक्शन यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, सीरी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, इनहेंस्ड बस, बिल्ट इन माइक्रोफोन, वन टच कनेक्ट, रिचार्जेबल बैटरी, कुछ यहाँ पे एडवांस फंक्शन नहीं दिया गया है। ओपन करके चेक कर लेता हूँ एक्चुअल बॉक्स अंदर में और क्या क्या मिल रहा है। अंदर आप देख सकते हैं एसेसरीज के अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्ड्स मिल, और इसके साथ यहाँ पे चार्जिंग के लिए USB 2.0 केबल मिल रही है। इसको मैं बात करता हूँ साउंड लॉजिक ब्लूटूथ हेडसेट की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छी चीज़ क्या है कि आपको बर्ड्स मैग्नेटिक दे दिए गए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बटन्स की बात करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये गूगल वॉइस असिस्टेंट या फिर सीरी असिस्टेंट सपोर्ट करने के लिए बटन दे दिया गया है। वहीं पे राइट वाले बटन पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये पावर बटन दे दिया गया है, और ये वॉल्यूम कीज दे दी गई। इनके थ्रू आप यहाँ पे इजीली सॉन्ग को नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। नॉर्मली जब ब्लूटूथ आते हैं उनमें पूरा कवर होता है, पूरा पैक होता है, बट यहाँ पे पूरा अच्छे से पैक नहीं किया गया, या फिर कंपनी ने डिजाइन दे दिया गया, और आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत वायरिंग नजर आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हल्की हल्की वायरिंग नजर आ रही होगी। क्वालिटी से मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज है, और आई थिंक 1000 रुपीज के हिसाब से हमें साउंड अच्छी मिलती है तो फिर भी अगर हम सोच सकते हैं। इसको ऑन करके चेक करता हूँ कि कैसे यहाँ पे ये वर्क करने वाला है। तो ये लाइट वाले बटन पे जो बटन है पावर वाला, इसको हम दबा के रखते हैं, और ये यहाँ पे ऑन हो चुका है। लाइटनिंग यहाँ पे ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर चुकी है। ब्लूटूथ सेक्शन में आप जाओगे तो SL नेक बैंड, जो कि साउंड लॉजिक नेक बैंड करके होगा, वहाँ जाके आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। 90% इसमें बैटरी रिमेनिंग हो रखी है, और जैसे ये कनेक्ट होगा वो ब्लू करके यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब जल्दी चेक करते हैं म्यूजिक एक्सपीरियंस और कैसा मिलने वाला है, कैसे इसका वन असिस्टेंट टैप वर्क करने वाला है। तो लेफ्ट जैसे आप इसको टैप करोगे जो फोन का जो गूगल असिस्टेंट है वो यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा, तो ये यहाँ पे अच्छी चीज है। अनबॉक्सिंग आपने देख ली है, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो सबसे पहले बात करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी पर्सनली पसंद नहीं आई है। जी हाँ, ये जो बैंड है ये मुझे इतना ड्यूरेबल नहीं लगा है, क्वालिटी भी काफ़ी चीप मटेरियल यूज़ किया गया है, प्लास्टिक रबर साथ में आप देखेंगे तो यहाँ जो वायरिंग है ये इजीली दिख जाएगी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। वहीं बात करता हूँ लुक डिपार्टमेंट की, तो आपको लगा के दिखाता हूँ कि एक्चुअल लुक में कैसा आने वाला है। आप कुछ ऐसे पहन सकते हैं और ईयर्स में डेफिनेटली एडजस्ट हो जाता है। लुक में आप इसको ठीक ठाक मान लीजिए, मैं इतना बुरा और इतना अच्छा दोनों ही नहीं कहूँगा, ठीक ठाक एक एवरेज या फिर डिसेंट लुक मिल रहा है, और पहनने भी कंफर्टेबल है। ये इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी मिल रहे हैं, तो अगर आपके ईयर्स में एडजस्ट नहीं होते तो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही जो बर्ड्स है ये मैग्नेटिक बर्ड्स हैं। बात करता हूँ कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल्स के लिए आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 3 बटन दिए गए हैं। ये है पावर बटन, इसके थ्रू आप इजीली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे वॉल्यूम कीज भी दीवन है। वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपको गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी असिस्टेंट एक्टिवेट करने के लिए बटन दे दिए गए, इसके थ्रू ही आप जो सॉन्ग है प्लेयर को स्टॉप कर सकते हैं। कंट्रोल्स के लिए आपको सारे बेसिक बटन दे दिए, कुछ भी एडवांस फीचर वगैरह नहीं दिया गया है। कंट्रोल डिपार्टमेंट मुझे से कोई शिकायत नहीं है। बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी कंपनी क्लेम करते हैं 8 hours का बैटरी बैकअप मिल रहा है, मुझे भी यहाँ पे 6+ hours का बैटरी बैकअप इजिली मिल गया था, तो मुझे बैटरी से इतनी कोई शिकायत नहीं है। 1000 रुपीज़ के कम की रेंज के अंदर इतना बैटरी बैकअप काफ़ी मैं सही मानता हूँ। बैटरी आपको इस रेंज के हिसाब से काफ़ी सही मिलने वाली है। बात करता हूँ डेली यूजिबिलिटी की, कितना आप इसको पहन के यूज़ कर सकते हैं। इजीली इनको पहन के वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, रनिंग वनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ईयर्स में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। साथ आपके नेक के ऊपर भी टिके रहेंगे, तो आप रनिंग वनिंग भी करोगे तो भी आपके नेक में ही अटके रहेंगे, कुछ इस डिपार्टमेंट मुझे इशू नज़र नहीं आया है। बात करते हैं कॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो कॉलिंग में जब इनको पहन के यूज़ करने वाले हैं
आप रूम के अंदर है तो डेफिनेटली आगे काफी लाउड एंड क्लियर जा रही है, इवन आगे वाली जो आवाज है वो भी काफी क्लियर आपको आ रही है। मैं काफी सरप्राइज हूँ 1000 रुपीज के अंदर आपको कॉलिंग के अंदर डिसेंट एक्सपीरियंस मिल रहा है। जी हाँ, आगे वाली जो आवाज़ है वो भी काफ़ी क्लियर आती है और ये चीज़ मुझे रियल में बट वायरलेस में देखने को नहीं मिली थी। थोड़ा सा मुझे साउंड में इशू नज़र आता था बट यहाँ पे कॉलिंग में आगे की आवाज़ काफ़ी क्लियर आती है। इवन आपकी जो आवाज़ है वो भी रूम के अंदर डेफिनेटली आगे काफ़ी क्लियर जा रही है। मैं बात करता हूँ आउटडोर कंडीशन की, जैसे आप रूम से बाहर निकलते हैं जो पीछे की हवा की साउंड है वो डेफिनेटली आगे पहुँचती है, बट आपकी आवाज़ भी आगे पहुँच रही है। तो नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर आपकी आवाज़ भी आगे पहुँच जाएगी, लाउड पहुँच रही है, बट जैसे आप थोड़े हैवी ट्रैफिक में जाते हो वहाँ पर आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। हैवी ट्रैफिक में इसके अंदर कोई भी नॉइज़ कैंसलेशन नहीं दिया गया है और अगर आप इसको पहन के बाइक के ऊपर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपकी आवाज़ आगे बिल्कुल नहीं जाने वाली है। कॉलिंग में रूम ऑफिस तक ठीक है बट ट्रैफिक के अंदर ये इतना यूज़फुल नहीं होने वाला है। कॉलिंग डिसेंट मिल गई है। बात करते हैं म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक के अंदर इसका जो बेस वगैरह है कुछ लोगों को इसका बेस काफ़ी हाई लगेगा। मेरे एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो मुझे इसका बेस इतना अच्छा नहीं लगा है। लाउडनेस है डेफिनेटली काफ़ी हाई मिल रही है बट मैं बात करता हूँ बेस की, बीट्स की, वो इतने अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, जब आप इनको पहन के म्यूज़िक सुनोगे सिर्फ आपको जो बीट्स हैं वो हाई सुनाई दे रहे होंगे बट जो म्यूज़िक के जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका एक्सपीरियंस काफ़ी कम देखने को मिलता है। 100% वॉल्यूम इसकी काफ़ी ज़्यादा लाउड है बट म्यूज़िक एक्सपीरियंस सिर्फ लाउडनेस पे डिपेंड नहीं होता है, क्लियरिटी होती है और क्लियरिटी मुझे बहुत ही बिलो पार लगे हैं। जी हाँ, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, इतना अच्छा म्यूज़िक एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। और जो लोकल प्रोडक्ट आते हैं बिल्कुल वैसी ही मुझे इसके साउंड क्वालिटी लगी है। लाउडनेस है बट क्लियरिटी के नाम पे बहुत ही बुरी साउंड मुझे दे रहे थे, तो म्यूज़िक के हिसाब से मैं इनको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इनको पहन के म्यूज़िक सुनने वाले हैं तो सिर्फ आपको एक ही साउंड मिलेगी, वो है लाउड। और अगर सॉन्ग के अंदर आपको सिर्फ बीट्स को ही फील करना है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं बट ओवरऑल जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस है काफ़ी बुरा मिलने वाला है। तो एक दो सॉन्ग जो कि काफ़ी हाई बेस या फिर हाई बीट से बज रहे होंगे वो आपको अच्छे लग सकते हैं। 10 में से सिर्फ 2 सॉन्ग ऐसे होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, बाकी रिमेनिंग 8 सॉन्ग्स के अंदर आपको इसके साउंड बिल्कुल अच्छे नहीं लगने वाली है। म्यूज़िक के अंदर रेटिंग में इसको 10 में से 4.5 की दे रहा हूँ। कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में मुझे इशू देखने को मिला है। अगर आप इसको रूम के अंदर यूज़ करने वाले हैं, अगर आपका डिवाइस और ये ब्लूटूथ रूम के अंदर है तो आपको रेंज मिल जाएगी, बट जैसे आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं कनेक्टिविटी में इशू स्टार्ट हो जाता है। ब्लूटूथ वर्जन 4.2 इसके अंदर आपको मिल रहा है, अगर आपको डेफिनेटली कनेक्टिविटी में इशू देखने को मिलेगा, रेंज इतनी प्रॉपर नहीं मिल रही है। आप थोड़ी सी दूर जाते हैं एक रूम से दूसरे रूम में जो साउंड है डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो बात करता हूँ ड्राइविंग के टाइम में कनेक्टिविटी की, अगर आप इसको कार के अंदर यूज़ करने वाले हैं तो कनेक्ट डेफिनेटली कनेक्टिविटी सही मिल सकती है, बट अगर आप इसको पहन के बाइक के ऊपर ट्रैवल करेंगे और आप म्यूजिक सुनते जा रहे हैं तो आपको कनेक्टिविटी में डेफिनेटली इशू देखने को मिलेगा, आप इसकी कनेक्टिविटी से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। वहीं बात करता हूँ गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो गेमिंग डिपार्टमेंट में भी मुझे इशू देखने को मिला है। साउंड डिले यस होती है जो कि नॉर्मली अंडर 2 या फिर 3000 रुपीज़ सब में देखने को मिलती है, बट बात करता हूँ साउंड लैग की तो यस इसके अंदर भी साउंड लैग देखने को मिल रही है। अब अगर आप PUBG जैसे हाई ग्राफिक गेम खेलते हैं तो मैं इनको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे सारे सेगमेंट क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा बात करता हूँ वैल्यू फॉर मनी की, तो प्राइस यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपीज़ है, मुझे लगता है 1000 रुपीज़ के हिसाब से वर्दी नहीं है। साथ ही इनकी प्राइस 600 रुपीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए थी, यहाँ पे 1000 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा प्राइस कर रखी है। और जो मुझे सबसे एक अच्छा सेगमेंट लगा है वो है कॉलिंग डिपार्टमेंट। अगर आप रूम के अंदर ऑफिस में इसको पहन के यूज़ करने वाले हैं तो आप इनको प्रीफर कर सकते हैं, उसके अलावा मैं इनको रिकमेंड नहीं करूँगा। बात करता हूँ अदर ऑप्शंस की, तो इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है। इसके अलावा बोट रोगर्स 255 भी है, इसके नॉर्मल प्राइस 1300-1400 पास कुछ रहती है। आप 1000 रुपीज़ के जगह एडिशनल 300-400 रुपये खर्च करके 1300-1400 रुपये के अंदर बोट रोगर्स 255 परचेज कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देंगे। ओवरऑल रेटिंग की बात करता हूँ तो मैं इसको 10 में से 5 की रेटिंग मैक्सिमम दे सकता हूँ, इससे ऊपर मैं इसको रेटिंग नहीं देने वाला हूँ। एक और चीज़ जो मुझे भी रिसेंटली काफ़ी देखने को मिल रही है, कंपनियां जिनको बहुत जल्दी फेमस होना है वो मार्केट से जो चाइनीज़ या फिर जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको उठाती है, उन पे अपना नाम ऐड करके और उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो किसी बड़े स्टार से करवाया जा रहा होता है। तो यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं देते हैं बट जो प्रमोशन होता है वो पब्लिक को लगता है कि यस काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है। रिक्वेस्ट है जब भी पहले कोई प्रोडक्ट परचेस करें और अच्छे से उसकी छानबीन कर लीजिए, उसके सारे प्रोज और कॉन्स सब कुछ जानिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डिसाइड कीजिए कि एक्चुअल में आपके अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कहीं आप सिर्फ मार्केटिंग देख के ही तो प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले सोचिए समझिए, थोड़े स्मार्ट तरीके से डिसीजन लीजिए। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, कोई फीडबैक है तो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही अगर आपको ये परचेज करना है तो इसका परचेज लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक हमेशा विमेन की स्प्रेड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।